जनगण के बारे में विचार करते हैं, ना उनकी कोई नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है। आज के नेतृत्व की बात करें तो आज का राज सत्ता प्राप्त करके उसको भोगने का काम उन्होंने किया, देश की सेवा न की। कोई भी जो पार्टी है, कोई संगठन है, तीन बातें उसके लिए जो महत्वपूर्ण कही गई हैं, उसकी नीति क्या है, उस नेतृत्व की नियत क्या है और नेतृत्व क्या है, विचारधारा क्या है, अगर इस कसौटी पर हम सब आज के इंडी गठबंधन के बारे में विचार करते हैं, ना उनकी कोई नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है। अगर कांग्रेस जब बना, कांग्रेस से उस समय के कार्यकाल में जो नेता थे, उद्देश्य तो ठीक लगता है कि देश की आजादी प्राप्त करने के लिए एक संगठन बना था। संगठन ने कांग्रेस के नाते बहुत इस प्रकार के नेता, जिनका आज भी हम सम्मान करते हैं, चाहे लोकमान्य तिलक हो, सरदार पटेल हो, महात्मा गांधी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, इस प्रकार का नेतृत्व देश की आजादी प्राप्त हुई। और वहीं अगर आज के नेतृत्व की बात करें तो आज का राज सत्ता प्राप्त करके उसको भोगने का काम उन्होंने किया, देश की सेवा न की। और अगर मैं आज के इस राजकुमार, जो देश का अपने आप को इस गठबंधन का बड़ा नेता मानता है, वो ये कहता है कि मैं गांधी जी का सच्चा अनुयायी हूं, सच्चा अनुयायी, गांधी जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए, उन कामों का तो कह भी स्पर्श नहीं किया इन्होंने, हाँ एक बात से मैं सहमत हूं, गांधी जी ने विचार दिया था उस समय कि कांग्रेस का उद्देश्य आजादी प्राप्त करना था, अब हमको कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। और मैं मानता हूं आज ये राजकुमार उस उद्देश्य को पूरा करने में लगे हुए हैं कि कांग्रेस को समाप्त करके ही दम लेंगे।